हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक दिस शो। तो आज के वीडियो में मैं ये वाला मॉडल बनाने वाला हूँ। एज अ बिगिनर अगर आप कोई मॉडल बनाना चाहते हो तो ये मॉडल इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये मॉडल बहुत स्लो फ्लाई करता है, बहुत स्टेबली फ्लाई करता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस प्लेन के लिए मैं पहले थर्मोकोल का 4 पीस कट करूंगा, क्योंकि प्लेन का लेंथ है 36 इंच। तो पहले 2 पीस कट करूंगा 20 इंच बाई 6 इंच और 2 पीस कट करूंगा 18 इंच बाई 6 इंच, और कट करने के बाद इन चारों को जोड़ दूंगा। पहले 8 इंच ले रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है और ये है 4 इंच। इस प्लेन के नोज सेक्शन से विंग का डिस्टेंस है 8 इंच। फिर मैं 8 इंच ले रहा हूँ, इसमें विंग माउंट हो। ये वाला डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है। अब मैं यहाँ पे 4 इंच ले रहा हूँ। अब बारी कटिंग का, अच्छे से यहाँ पे कट करना होगा थर्मोकोल को। तो कटिंग करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। सेम में एक और बना रहा हूँ। अब इन सबको अच्छे से जोड़ना होगा। मैंने 2 थर्मोकोल पीस ले लिया है 4 इंच बाई 3 इंच का। मैं इन दोनों को जो 8 इंच वाला जो मार्किंग है वह लगाऊंगा, सामने एक, मिडिल में एक। इन दोनों को जोड़ना कंप्लीट है, तो अब इसका मैं गैप फिलअप करूँगा। तो ऐसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, तो ऐसे मार्किंग करके इसको इस बॉडी में लगा देना। सेम प्रोसेस में मैंने सामने का भी गैप फिलअप कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा एरोडाइनमिक शेप दूंगा।
अब मैं बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और वर्टिकल स्टेबलाइजर। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का साइज होगा 16 इंच बाई 6 इंच और वर्टिकल स्टेबलाइजर का साइज होगा 7 इंच बाई 6 इंच। इसमें एलिवेटर का साइज होगा 1.5 इंच बाई 16 इंच और रडर का जो साइज होगा वो भी 1.5 इंच बाई 7 इंच होगा। यहाँ पे एक साइड से मैं 1.5 इंच करके कम कर रहा हूँ। अब मैं इन दोनों में सर्कल लगाऊंगा। अब मैं फ्यूजलाज में अच्छे से वर्टिकल स्टेबलाइजर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को लगा दूंगा। मैं यहाँ पे विंग माउंट के लिए बैम्बू स्टिक यूज कर रहा हूँ। फ्यूजलाज कंप्लीट है मेरा। अब मैं विंग बनाऊंगा। विंग बनाने के लिए मैं 12 इंच बाई 8 इंच का 4 पीस थर्मोकोल का कट कर लूँ। मैं एल्युमिनियम शीट से इस विंग को शेप दूंगा। इस एल्युमिनियम शीट का साइज है 8 इंच और इसका हाईएस्ट थिकनेस है 1 इंच जो इसके 1/3 पे है। इन दोनों को थर्मोकोल के दो साइड पे लगा के इसको हॉट वायर कटर से मैं कट कर दूंगा। मैं यहाँ पे इस थर्मोकोल पीस के एक साइड से 1 इंच कम कर दे रहा हूँ। ऐसा 2 पीस बनाना होगा क्योंकि मैं इनको 4 पार्ट में बनाना हूँ। इसमें दोनों पीस 8 बाई 12 इंच ही रहेगा और दोनों पीस एक साइड में 7 इंच हो जाएगा। इससे विंग को थोड़ा अच्छा लुक्स मिलेगा। मैंने एक और एल्युमिनियम शीट ले लिया है। इसका साइज 7 इंच है और इसका भी हाईएस्ट थिकनेस 1 इंच है और ये भी 1/3 पे है। अब इसको मैं हॉट वायर कटर से अच्छे से कट कर दूंगा। अब इन चारों को अच्छे से एक साथ जोड़ना होगा।
इस विंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इसमें एल्यूमिनियम का स्पार लगा रहा हूँ। इस विंग को मैं थोड़ा डायहेड्रल दूंगा, इससे प्लेन और भी स्टेबल हो जाएगा। डायहेड्रल मीन्स विंग को थोड़ा वाई शेप देगा, मतलब विंग के मिडिल से थोड़ा सा एंगल दे देगा, 0 से 5 डिग्री तक का इनफ है। इसके बाद विंग कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा हमारा मॉडल एकदम रेडी। अब इसको सेलो टेप से कवर करके अच्छे से कलर कर दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके सबके साथ शेयर करना।